स्टेज फियर कैसे दूर करें? ऑडियंस के सामने गाने में भैया बड़ी झिझक होती है, डर लगता है। इतनी सारी पब्लिक हो या कम पब्लिक हो, गाने में बड़ा डर लगता है। एक अपने सुर जो हैं भूल जाते हैं, लय भूल जाते हैं, गाने के शब्द भूल जाते हैं। तो स्टेज फियर दूर करना हो या ऑडियंस के सामने गाना हो या कॉन्फिडेंस लाना हो तो उसका क्या राज है, आइए पूरा वीडियो देखिएगा, उस पर चर्चा करते हैं। ऐसे हालात हो तो क्या करें, क्या करें? ये 10 साल की उम्र से मेरे ख्याल से मैं स्टेज पर गा बजा रहा हूँ। उससे छोटा था तब भी स्टेज पे था, ऐसा नहीं है, मगर हाँ शायद मेरे हिसाब से मैंने कभी संगीत प्रस्तुत नहीं किया स्टेज पर। ग्रुप में ज़रूर किया, मगर सोलो अगर मैं कहूँ तो मैंने 10 वर्ष की उम्र से शुरू किया। आज मैं 22 वर्ष की उम्र का हूँ और स्टेजेस भी बहुत देखे मैंने, नेशनल भी देखे, नेशनल से स्टेट बहुत बड़ी पब्लिक भी देखी है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस भी देखी है। ये नहीं कहूँगा एकदम माइकल जैक्सन वाली ऑडियंस देख ली मैंने, जो लाखों की होती है, उतनी नहीं देखी होगी हाँ, मगर हाँ ऑडियंस भी देखी, कैमरा भी फेस किया, लोगों से बात भी करी, नए लोगों से भी मिला हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस मुझ में कैसे आया और ये कॉन्फिडेंस आप में कैसे आ सकता है, आज उस पर बात करने जा रहे हैं। मेरे पिताजी पंडित अवध किशोर पांडे साहब का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मेरे अंदर ये चीज़ डाली कि पब्लिक स्पीकिंग मुझे आती है, लोगों से बात करना मुझे आता है, अपनी बात को, अपने विचार को शब्द देना मुझे आता है, और ये उनकी देन है। कि उन्होंने मुझे एक कलाकार के साथ साथ संगीत के साथ साथ ये भी सिखाया कि अपनी कला पर भरोसा कैसे किया जाता है और अपनी कला को प्रस्तुत कैसे किया जाता है, स्टेज पर ऑडियंस से डरा कैसे नहीं जाता है और ऑडियंस को दोस्त कैसे बना लिया जाता है। यानी ऑडियंस के साथ आपका एक ऐसा रिश्ता हो जाए कि जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं वो उनको पसंद आ ही जाए। ऐसा हो ही नहीं कि आपने जो गाया उनको पसंद ना आए। हाँ, बज़ाहिर सी चीज़ है, स्वाभाविक सी बात है, सुरीला हो, लय में हो, बेताला बेलय ना हो, बेसुरा ना हो। तो उन्होंने हमेशा से ये हमारे जहन में बसाया, और सिर्फ मेरे नहीं, हर स्टूडेंट को उन्होंने यही सिखाया कि अपनी कला पे भरोसा करो, ज्ञान लो और उस ज्ञान पर भरोसा करो कि तुम जो कर रहे हो वो सत्य है, वो तथ्य है, वो सच है, वो सही है। ये यकीन अपनी कला पे रखो तो स्टेज फियर होगा ही नहीं। जिन्हें ये डर होता है कि यार हमने रियाज नहीं किया सही से, वो गुरु के सामने भी नहीं जा पाते हैं, कैमरा के या स्टेज के या दुनिया के सामने तो क्या। जिन्हें ये डर होता है कि यार रियाज नहीं हुआ है, यार सुर कैसे लगेंगे, प्रैक्टिस नहीं करी इस चीज़ की तो कैसे होगा, गला नहीं चलेगा, उनमें डर होता है पहली चीज। तो दूसरी चीज जो मैंने एक पहले भी कहा है, ये लोग कहते हैं कॉन्फिडेंस कम्स विद नॉलेज, बट व्हाट आई से इज कॉन्फिडेंस कम्स विद एक्नॉलेजमेंट ऑफ योर नॉलेज, या यूं कहें कि फेथ ऑन योर नॉलेज। आपको अपनी नॉलेज पे भरोसा होना चाहिए तब जाके कॉन्फिडेंस आता है। नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन कई लोग आपने ऐसे देखे होंगे जिन्हें ज्ञान रत्ती भर का नहीं होता लेकिन बड़बड़ बड़े कॉन्फिडेंस से कर लेते हैं, गा भी बड़े कॉन्फिडेंस से लेते हैं, प्रस्तुत भी बड़े कॉन्फिडेंस से कर देते हैं, नॉलेज उन्हें एक ढेले का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी नज़र में बहुत नॉलेज है। तो अपनी नज़र में बादशाह बनो ना, अपनी नज़र में खुद को निहारो। क्यों? क्योंकि दूसरों की नज़रें तो बहुत सी हैं, आपकी सिर्फ दो हैं, दो निगाहें मिली हैं, इन्हीं दो निगाहों से अपने आप को देख लो, अपना एनालिसिस कर लो। दूसरों की नज़र से अपना एनालिसिस हम जब तक करते रहेंगे, जब तक डरते रहेंगे कि लोग क्या कहेंगे, जब तक ये डरते रहेंगे कि यार हम सुरीले नहीं हैं लोगों के हिसाब से, हम बेसुरे हैं लोगों के हिसाब से, हमारी कला में वो बात नहीं, यार मुझसे अच्छा तो 4 लोग और गा रहे हैं, हमें यही डर तो होता है। अब वो दौर थोड़ी है जो टमाटर मिर्ची अंडे फेंके जाएंगे कलाकार के ऊपर, वो दौर नहीं है, भगा दिया जाएगा, अपमानित कर दिया जाएगा, इस चीज़ का डर होता है। तो बहुत शुरू में ही हमारे गुरुजी ने हमें कहा था, पिताजी ने, कि एक सच्चा कलाकार सबसे बड़ा बेशर्म होता है। अब बेशर्म इसका मतलब ये नहीं कि वो बदतमीज़ होगा, नहीं, बेशर्म और बदतमीज़ में फ़र्क है, वो बेअदबी नहीं रखता है। कलाकार में अदब होता है, इज्जत होती है, तमीज़ होती है, लेकिन शर्म झिझक हया ये वो थोड़े से पर्दे जो है हटा के ही रखता है। यानी अगर मैंने उसे कह दिया कि बीच सड़क पे तुझे गाना है तो वो गा उठेगा,
पान के गल्ले पे बहुत से ऐसे कलाकार हैं जो उनके साथ थे, पिताजी के साथ खड़े हुए हैं, तो क्या एक टुकड़ा याद आया, तुरंत घूमे, नाचे, दिखा दिया कि ये तो ऐसा होना चाहिए, ऐसे ये वो ये वो, तुरंत ये नहीं सोचा कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, चार लोग क्या। और ऐसे जो लोग होते हैं उनकी लोग तारीफ करते हैं कि अरे वाह क्या बात है कि आप में झिझक नहीं है, आप बेबाक हैं, निडर हैं, भय नहीं है आप में। तो वो जो स्टेज फियर है वो नॉलेज से मिटेगा सबसे पहले, और उस नॉलेज के बाद उस नॉलेज का एक्नॉलेजमेंट, यानी ये मानना कि मेरे पास ये ज्ञान है, हाँ मेरे पास ये ज्ञान है, हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सच है, ये मानना, इससे आता है स्टेज फियर, इससे दूर होता है। मैं सामने आप लोगों के सामने कैमरा फेस कैसे कर पा रहा हूँ, किसी को अपनी बात कैसे कह पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है, कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो फिर डंके की चोट पे बोलेंगे ना, डरता तो वही है जिसको लगता है, खोट होता है जिसके मन में कि अरे यार, या ये होता है कि यार मेरी बात में सच नहीं है। सच कभी भी डर के नहीं बोलने का, यानी जो आपका काम कर रहे हो वो गाना वो सच है ना, शास्त्रीय संगीत या फिल्मी या जो भी गा रहे हो, जैसा भी गा रहे हो, अगर रियाज किया है तो वो सच है, वो नॉलेज है आपके पास, तो उस पर भरोसा रखो ना। अपने काम पे भरोसा नहीं रखते हम, बस इसीलिए नॉलेज कॉन्फिडेंस नहीं आता, और कुछ नहीं, इसीलिए स्टेज फियर रहता है, इसीलिए हमें जनता जनार्दन नहीं लगती है। जनता को जनार्दन मानो, ईश्वर मानो, और ईश्वर के सामने भक्ति करना, उसमें क्या भय होता है क्या, खुले दिल से। दूसरी चीज, थोड़ा सा विवाद लगेगा, लोगों को थोड़ा सा बुरा भी लग सकता है, लेकिन अब मेरे पिताजी ने ऐसा सिखाया तो मैं भी वही चीज़ सिखाऊंगा, क्योंकि यही तरीका है मेरे शायद हिसाब से। कि उन्होंने कहा कि जब जब तुम स्टेज पे चढ़ोगे, हम बहुत छोटे छोटे थे तब से, ग्रुप में हम अगर जाते थे तब भी, और बच्चे थे तब भी, सोलो गए तब भी, यही कहा कि जब तुम वहां जाओगे स्टेज पर, तब तुम बादशाह हो, तुम राजा हो, तुम ही सब कुछ हो, जनता तुम्हें सुनने आई है। आपने बहुत से ऐसे कलाकार देखे होंगे जब वो स्टेज पे चढ़ते हैं तो वो अपने अलावा किसी को गांठते नहीं है, तो थोड़ा सा वो एटीट्यूड भी रखना होता है, थोड़ा, ज्यादा नहीं, थोड़ा ऐसा एटीट्यूड नहीं कि मैं ही सब कुछ हूं ये लोग कुछ नहीं है, नहीं, पर मैं भी सब कुछ, मैं भी कुछ हूं, ये मानना है। खुद को सब कुछ नहीं पर अपने आप को कुछ तो मानना है, ये नहीं बोलना है कि ये लोग मुझसे नीचे हैं, मैं सर्वोपरि हूं, सर्वज्ञानी हूं, सर्वज्ञ हूं, नहीं, ये नहीं मानना है, ये ईगो हो जाता है। मगर मैं सबसे अच्छा हूं ये अपने आप को बोलना कोई गलत बात नहीं है, आई एम दी ग्रेट ये बोलना कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, बट आई एम दी ओनली ग्रेट ये बोलना आपको अहंकारी बनाता है कि मुझसे अच्छा कोई नहीं, ये गलत, मैं सबसे अच्छा, ये सही। अच्छा, लोगों को लगेगा यार दोनों सेंटेंस के मीनिंग तो सेम है, मीनिंग तो सेम ही निकल रहे हैं, ट्रांसलेशन भी सेम निकल रहा है, फिर फर्क क्या है? फर्क उस कंपैरिजन का है जो आप जाने अनजाने में कर बैठते हैं अपने आप और दूसरों का। तो अपने आप को किसी से आंको मत, अपने आप को आंकना है तो खुद से आंको, खुद की रेस में खुद दौड़ो, खुद के साथ, तो आगे बढ़ोगे तो जीतोगे। क्योंकि दूसरों से लड़ोगे, दूसरों से जीतोगे, दूसरों की रेस में रहोगे, तो वो दूसरे तो बहुत से हैं पर आप तो एक ही हो ना। तो अपने काम पर भरोसा रखो, जब स्टेज पे चढ़ो तो ये मानो, हमें ऐसा कहा जाता था, पिताजी कहते थे कि जब तुम स्टेज पे गाओगे तो जितनी जनता बैठी है बेवकूफ समझना उस सबको। ये तो ठीक है, हमको छोटे पे थे इसीलिए वो ऐसे थोड़े से मोटिवेट करने के लिए एक्स्ट्रा ऐसा बोल दिया करते थे कि बेवकूफ मानो उन लोगों को और आराम से बिंदास गा के आओ, और हम भी गाकर आते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस चीज़ के पत्ते और खोले और समझाया है कि दुनिया को बेवकूफ नहीं समझना है, अपने आप को महान समझना है, बस इतना सा फर्क है। तो अपने काम पर भरोसा रखो, अभ्यास करो, रियाज करो, सीखो, तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये उसके ऊपर ही हैं, ऐड ऑन आती हैं। वरना कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने वो फर्स्ट स्टेप मिस कर दिया, सीखा साखा कुछ नहीं, लेकिन ये वाला कि अपने आप को सब कुछ समझना वो किया, तो वो कॉन्फिडेंटली स्टेज फियर होता ही नहीं उनमें, कॉन्फिडेंटली स्टेज को हैंडल करते हैं, पब्लिक ऑडियंस को बांधे रखना वो उन्हें आता है ना, ऑडियंस को वो देते हैं जो वो चाहती है, उनके मन से खेलते हैं, ठीक है। तो खैर, ये कुछ बातें थी, अपने काम पर भरोसा रखो, जो सीख रहे हो वो तथ्य है, वो सच होगा, तो अपने आप स्टेज फियर आप में नहीं होगा, ठीक है। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। इस टॉपिक में मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं, उनको भी देखो, शायद उसमें भी कुछ नई बात निकल के आ गई हो सकता है, अभी कुछ मिस हो गया हो, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, स्वरांगिनी को खरीदो, विधिवत ढंग से संगीत को सीखो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, शुक्रिया।